इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मुंबई में सिर्फ और सिर्फ 1% मंदिरों को ही लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति दी गई है। सिर्फ 1% मंदिरों में ही लाउड स्पीकर बजेंगे। 2400 मंदिर, आपको बता दें कि पूरे मुंबई में 2400 मंदिर हैं, उसमें से महज 24 मंदिरों को ही लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति दी गई है। यानी कि अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ पूरे मुंबई में 1% मंदिरों में ही सुबह की आरती जो है वो लाउड स्पीकर से हो सकेगी। कोई भी आरती लाउड स्पीकर से हो सकेगी सुप्रीम कोर्ट के डेसिबल के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट के डेसिबल की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के कायदे कानून की अगर हम बात करें, तो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भोंगे बजाने की अनुमति है। तो वही रात 10 से सुबह 6 बजे तक भोंगे नहीं बज सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है। 55 डेसिबल से भोंगे जो है बजाए जा सकते हैं। तो अनुमति के हिसाब से अगर बात की जाए तो सिर्फ पूरे मुंबई भर में 1% मंदिरों में अनुमति दी गई है। तो वही मस्जिदों की अगर बात की जाए, मस्जिदों पर अगर हम एक नजर डालें तो मस्जिदों का आंकड़ा आपके सामने साफ है कि पूरे मुंबई में 1140 मस्जिद है। 1140 मस्जिद है जिसमें से 950 मस्जिदों को भोंगे बजाने की अनुमति दी गई है। जबकि अगर बात की जाए मंदिरों की, तो महज 1% आखिरे में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि काफी ज्यादा डिफरेंस है। 2400 मंदिरों में से 24 मंदिरों का अनुमति दी गई है, वहीं 1140 मस्जिदों में से 950 मस्जिदों को जो है वो अनुमति मिली है। मंदिरों की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1% मंदिरों को इसकी अनुमति दी गई है। राज ठाकरे के इस मुद्दे के उठाने के बाद से ये कंपलसरी कर दिया गया कि पुलिस के बिना इजाजत के हम लाउडस्पीकर किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं बजाया जा सकता। जिसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ये अपील की थी कि सभी धार्मिक स्थल जो है अनुमति आवेदन पत्र एक प्राप्त करें जिससे अनुमति दे सके, और मस्जिदों को अनुमति दी जा रही है। 1140 मस्जिदों में से 950 मस्जिदों को यह अनुमति दी गई है कि वहां पर अगर बात की जाए तो मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान हो सकते हैं। लाउडस्पीकर से अजान यानी कि सुबह की अजान की अनुमति अभी भी नहीं है, क्योंकि सुबह की अजान जो होती है वो तकरीबन 5 बजे के आसपास की होती है, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति है ही नहीं। और अगर पूरे दिन के दिन भर में 5 बार अजान होती है, 4 अजान जो है वो हो सकती है लाउड स्पीकर से, लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के डेसिबल का पालन करना होगा। तो 1% मंदिरों को, सिर्फ 1% मंदिरों को इजाजत दी गई है। तो वही मस्जिदों की अगर बात की जाए तो 1140 मस्जिदों में से 950 मस्जिदों को अनुमति दी गई है। फिलहाल चर्च, गुरुद्वारे और दूसरे धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो दूसरे धार्मिक स्थलों को भी अभी अनुमति देने की शुरुआत हुई है। दूसरे धार्मिक स्थलों की भी पहचान की जा रही है, पुलिस लगातार अलर्ट हो चुकी है। हर एक मस्जिद के बाहर डेसिबल चेकिंग मशीन लेकर पुलिस घूम रही है, और अगर कहीं भी किसी भी मस्जिद के सामने डेसिबल, किसी भी मस्जिद में अगर डेसिबल का पालन नहीं हो रहा है, गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, तो वहां पर कार्रवाई की जा रही है। डेसिबल पुलिस लगातार चेक कर रही है, चाहे मंदिर है वो मस्जिद हो, मंदिर और मस्जिद दोनों से ही लाउडस्पीकर उतरवाए जा रहे हैं जहां पर परमिशन नहीं लिया गया है। जहां पर परमिशन लिया गया है वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उतने डेसिबल पर लाउडस्पीकर जो है वो बजाया जा सकता है। ये तस्वीरें देख सकते हैं मुंबई में हर जगह, खास करके मुंब्रा और थाने जैसे इलाकों में जहां ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है, वहां पर पुलिस अलर्ट है। वहां पर पुलिस डेसिबल चेकिंग मशीन अपने साथ लेकर घूम रही है, और तो डेसिबल चेकिंग लगातार पुलिस सख्त हो चुकी है राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद। राज ठाकरे के अल्टीमेटम के खत्म होते ही मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाया गया। हालांकि कल राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह साफ किया कि 135 मस्जिदें ऐसी थी जहां पर सुबह की अजान लाउडस्पीकर पर हुई, तो उस पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये आंकड़ा जो है सामने आया है चौंकाने वाला कि मुंबई में अब बिना लाउडस्पीकर के, लाउडस्पीकर बिना इजाजत के नहीं बजेगा। 2400 मंदिरों में से 24 मंदिरों को अनुमति है लाउडस्पीकर बजाने की, तो वही 1140 मस्जिदों में से 950 मस्जिदें लाउडस्पीकर बजा सकते हैं। तो अब तक 24 मंदिर और 950 मस्जिदों को लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मिली है, तो वही मुंबई में सिर्फ 1% मंदिरों को लाउडस्पीकर से आरती भजन करने की अनुमति दी गई है।
चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करों को लोकल में एंट्री। खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।